वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का इस विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहना है। हालांकि पहले भी अरविंद केजरीवाल ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते रहे, लेकिन इस बीच वो क्या कह रहे हैं आज के बंद के ऐलान को लेकर, सुनिए। इसको लेकर दिल्ली की भी और देश की भी, आज पूरे देश के अंदर, केवल दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। और लोगों में एक किस्म का डर है, केवल मुसलमान नहीं, हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर, सभी नागरिकों के अंदर ये डर है कि जब उन्हें कहा जाएगा कि आप साबित करो, कागज़ दिखाओ कि आप देश के नागरिक हो, तो इस देश में गरीबों के पास कागज़ नहीं है, 70% से ज़्यादा लोगों के पास कुछ भी दिखाने को नहीं होगा, कागज़ दिखाने को नहीं होंगे, तो फिर उन लोगों को कहा जाएगा कि आप देश छोड़ के जाओ, तो वो कहाँ जाएंगे? ये देश तो अपना है, ये देश तो सब लोगों का है, यहीं पैदा हुए, हमारे बाप दादा परदादे सब यहीं पैदा हुए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो सभी लोगों के मन में डर पैदा हो गया है कि हमारे साथ क्या होगा, क्या बर्ताव होगा, खासकर गरीब आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सब लोग इस टाइम डरे हुए हैं। इस कानून से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मेरी हाथ जोड़ के अपील है सभी केंद्र सरकार से कि इस कानून को इस टाइम लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी ज़रूरत इस टाइम है तो युवाओं को रोज़गार देने की है। हम सब लोगों को मिलके इंतजाम करना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए हम रोजगार पैदा करें, और इस कानून के मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। वाईफाई आपने लॉन्च किया लेकिन इंटरनेट सर्विसेज बंद है, ये बड़ी विडंबना है कि जिस दिन आज लॉन्च कर रहे हैं उसी दिन इंटरनेट सर्विसेज बंद करनी पड़ रही है पुलिस को। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हालात सामान्य होंगे और इंटरनेट सर्विसेज। तो जहां पर अरविंद केजरीवाल मौजूद थे वहां पर इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद थी, ऐसे में उनका कहना था कि देश एक क्राइसिस से गुजर रहा है और ऐसे में रोजगार के अवसर नए सरकार को पैदा करने चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि CAA पर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।